नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम लाल किताब संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और आप सभी की जिंदगी से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए लाल किताब संजीवनी के माध्यम से वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, ये सभी बताने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सीपी दीक्षित जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है आप लाइव देख रहे हैं, यानी कि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान आपकी बात होगी सीधा पंडित सीपी दीक्षित जी से, आप जो भी उनसे जानना चाहें आप जान सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सभी ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पंडित जी, सूर्य ग्रह का क्या असर होता है हमारे जीवन पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा जी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सूर्य का प्रभाव आत्मबल को साक्षात करने वाला होता है, पिता के प्रभाव को अच्छा करने वाला होता है, और कह सकते हैं कि अगर ग्रहों का राजा माना जाता है तो वो सूर्य है। सूर्य हमारे जीवन के प्रभावों को उभारने वाला होता है, परिश्रमी बनाता है तो हमारा सूर्य बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम असमंजस में पड़ जाते हैं, कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन अगर उनकी सफलताओं को दिलाने वाला होता है तो वो सूर्य होता है। हम पिता के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं, उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलताएं नहीं मिलती, उसका कारण कहीं ना कहीं से सूर्य पीड़ित हुआ होता है। तो उस समय आप अगर सूर्य की उपासना करके चलते हैं, सूर्य के प्रभाव को मान करके चलते हैं, तो आपके जीवन का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चलता रहेगा। हमारे अगर ब्रह्मांड की बात करी जाए तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। आपने देखा होगा अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के अंदर जो गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का हम जाप करते हैं, शुद्धि के लिए करते हैं, आत्मशांति के लिए करते हैं, अपने पितरों की जागरूकता के लिए करते हैं। लेकिन आपने कभी ये भी सोचा है कि इस उपासना का जो पूर्ण प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमें सूर्य देव से जुड़ना वाला होता है? तो सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर, दिल का धड़कना, अगर कहीं हम जंगल भ्रमण के लिए जाते हैं उसमें भी हमारा सूर्य का होता है। अगर रेगिस्तान की हम अगर प्रभाव से जुड़ते हैं, अगर हमारा सूर्य मंदा होगा तो उस समय वहां की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा सूर्य मंदा है तो जंगल की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये परेशानियां ही तो देखी जाती हैं। ज्योतिष क्या है? आपका वो मार्गदर्शन है, ज्योतिष के उस छोटे से अगर कण से हम जुड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। अगर हमें पहले से ही पता है कि कोई समस्या हमारे सामने आने वाली है, अगर उसका हम उपाय करके चलेंगे, उपाय क्या है? अपने आप को संभालना, ये भी तो एक उपाय है। अपने प्रभावों की रक्षा करना, अपने जीवन को अस्तित्व की ओर मोड़ करके चलना, ये सब कुछ तो उपाय हैं। तो उन उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन के प्रभाव को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी, तो कौन से आखिर वो उपाय हैं जो कि आपकी जिंदगी में सूर्य ग्रह की स्थिति को सुधारते हैं और साथ ही साथ आपको ऐसा फल देते हैं ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरतपुर राजस्थान से प्रेमपाल जी हैं हमारे साथ जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए पहले। 14 जुलाई 1964 रात्रि 8 बजे। जी, आपके जन्म का स्थान? भरतपुर राजस्थान। जी जी, तो क्या जानना चाहेंगे आप पंडित जी से? पंडित जी, मेरा सूर्य के साथ राहु है, सूर्य ग्रहण दोष है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक 2017 में ये कह रखा है शनि मार के इसकी दशा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए पंडित जी, कैसा आगे टाइम रहेगा, ये कुछ? बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ यहाँ लगन का प्रभाव आपका खाली पड़ा हुआ है, शुक्र के साथ मंगल है, सूर्य के साथ राहु है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य का ही हम चर्चा करके चल रहे हैं यहाँ पे। सूर्य का अस्तित्व हमारे जीवन के अंदर अगर अच्छा हो तो हमें परिश्रम भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि छठा भाव जो पाताल का घर होता है वहां पर ये केतु का पक्का घर होता है, और यहाँ पर राहुदेव उच्चके आकर के हो जाते हैं, यानी कि राहु का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है। एक सूर्य एक ऐसा बलवान ग्रह है, इसके साथ में अगर कोई भी ग्रह आता है अपने आप में कभी भी नीच का नहीं होता, उसके प्रभाव को खराब करता है। लेकिन राहु क्या है? एक छाया ग्रह है, अगर ये सूर्य के साथ आएगा तो उल्टा सूर्य को ही ग्रहण लगा देता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा उपाय करके चलना होगा आपको, 43 सिक्के लेने हैं तांबे के, 43 सिक्के पूरी रात, यानी कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आग में जलाएं, कोयले की आग में जलाने हैं उसको, और उसके बाद थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें, और सूर्य निकलने से पहले पहले उसको आप जल प्रवाह कर दें। ये उपाय करते हैं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर से आपका लगन का प्रभाव थोड़ा सा पीड़ित होकर के चल रहा है, तो उसके लिए लेकर के आए हम संजीवनी महाविद्या यंत्र। संजीवनी महाविद्या यंत्र आप अपने गले में धारण करके
करके रखते हैं तो उससे आपको पूर्ण रूप से सफलताएं अवश्य प्राप्त होने लग जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, संजीवनी महायंत्र एक ऐसा यंत्र जो कि आपकी जिंदगी की परेशानियों को हर लेगा। अगर आप संजीवनी महायंत्र धारण करते हैं तो आप उसका असर देखेंगे कि किस तरीके से आपका काम करने में मन लगता है, आपके ग्रहों की स्थिति सुधरती है, आपके जीवन में जो दुख है वो दूर होता है और सुख आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाकर खड़ा कर देता है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? राकेश है, मैं भावनगर। राकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। प्रणाम गुरुवर, खुश रहो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई। 20? जी जी, 22 जुलाई। 22 जुलाई 1961। टाइम बताइए। सुबह में 7:30 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? मेरा भावनगर, गुजरात का है। भावनगर? हाँ जी जी। क्या जानना चाहेंगे? प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है और जॉब में प्रमोशन नहीं मिलता है और थोड़ा स्किन डिजीज भी है तो अच्छा नहीं होता। और आगे वाली मेरी करियर कैसी रहेगी, मैं जॉब करूँ या फिर बिजनेस? बिल्कुल बताना चाहूंगा, शनिदेव बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव के अंदर। कहते हैं ना कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडे संभूतम तब नमामि शनिश्वरम। यानी कि अगर हम शनि की शरण में चले जाएं तो वहां से सब कुछ हमारे जीवन के अंदर अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर सर्वश्रेष्ठ अगर न्यायाधीश किसी भी ग्रह को अगर माना जाए तो वो शनि है और शनि हमेशा अच्छा ही फल दे करके चलते हैं। लेकिन अगर दुनिया के प्रभाव से हम जुड़ें तो कुछ ज्योतिषाचार्यों की बात करें या कुछ विद्वानों की बात करें, वो क्या कहते हैं कि शनि ही सबसे ज़्यादा बुरा करता है आपके जीवन के अंदर। लेकिन मेरा ऐसा मत है और विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि वो न्यायाधीश ग्रह हैं, बहुत अच्छा आपके जीवन के अंदर बना करके चलते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा तो इस बात का कि शनि के प्रभाव से जरूर जोड़ करके चलें। अगर वो अच्छा फल दे रहे हैं तो उसके आप दान ना करें, अगर वो बुरा फल दे रहे हैं तो उस स्थिति में उसकी स्थिति को पहुंचाएं जहां से वो अच्छा फल दे सकें। शनि के दान आपको नहीं करने, बृहस्पति के प्रभाव से हमेशा अच्छा फल आपको अवश्य प्राप्त होता रहेगा। लेकिन घर में कोई भी किसी भी प्रकार की जोत जला करके पूजा नहीं करनी है आपको, धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके पूजा करते हैं उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। केतु कुलस्य उन्नति अष्टम भाव, आठवां घर एक मौत का घर होता है, एक ऐसा कुआं एक ऐसी खाई होता है जहां से कोई भी ग्रह स्वतः उभर करके नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव में केतु देव बैठे हुए हैं और केतु ही कुल की उन्नति कराने वाले होते हैं, यानी सब कुछ हमारा अच्छा बन करके चलता रहे और केतु का फल अगर हमारे जीवन के अंदर अच्छा नहीं है तो हमारा जो जीवन है वो सार्थक नहीं हो पाएगा, लाभ स्थान से हमें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कहना चाहूंगा क्योंकि बृहस्पति का एजेंट भी केतु है, अगर वो अष्टम भाव में पड़ा हो तो इज्जत और मान प्रतिष्ठा के लिए भी हम तरस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने सीधे कान को छिदवाएं और उसमें सोना धारण करते हैं, 96 दिन तक आप सोना धारण करके कम से कम आपको रखना होगा तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर दोनों कान छिदवाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर एक छिदवाते हैं तो सीधा कान आपको छिदवाना होगा। ये उपाय कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, दर्शकों अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि ये ग्रह हमारे लिए कहीं ना कहीं अनिष्ट फल ला रहा है, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो हमें जानकारी नहीं होती है। अगर आपकी भी ऐसी स्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें फोन कीजिए, आप बात कीजिए पंडित जी से और जानिए कि आखिर आपकी स्थिति है क्या, उस ग्रह को सुधारने के लिए कौन से वो उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं और फिर आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। फिलहाल अगले कॉलर है हमारे साथ, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और आपका नाम बताइए। मैं कमलेश बोल रही हूँ दिल्ली से। जी कमलेश जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। हाँ जी, मेरे को बेटे के लिए पूछना है। जी जी, आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 25 जनवरी जी 1988 9:30 बजे दिल्ली, रात्रि 9:30 बजे दिल्ली में इनका, दिल्ली का। जी क्या जानना चाहेंगे बेटे के बारे में कमलेश जी? हाँ जी, तो घर नहीं बना पा रहे हैं, घर में रहे हैं, हमारा वो पैतृक संपत्ति है, अगर उसे बेचें या दूसरा ले कब तक बन पाएगा घर?
बिल्कुल कमलेश जी, बताना चाहूंगा घर का जो प्रभाव है मंगल से, क्योंकि मंगल भूमि जायदाद का अगर स्वामी है तो वो मंगल देव बन करके चलते हैं, और मंगल इनके चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है। चौथे घर में मंगल बैठा हो, अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, या द्वादश भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ हो, तो उस स्थिति में क्या है, मंगल बध हो जाता है। जब भी कोई खुशी आती है, खुशी के साथ कोई ना कोई दुख हमारे जीवन के अंदर आता है, तो उसके लिए कहना चाहूंगा लगन का प्रभाव थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है, तो उसके लिए संजीवनी महाविद्या यंत्र इनके गले में धारण करवाइएगा, जिससे कि इनके जो प्रभाव है वो बहुत अच्छे बनकर के चलते रहें, खुशियां इनके जीवन के अंदर आती रहें। और मंगल का एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि लाल किताब के उपाय जो नाभिक के से तीर और देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर, यानी इन छोटे छोटे से उपायों से हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को छुटकारा पा सकते हैं, उसको अलग हटा सकते हैं और अपने जीवन के प्रभाव को खुशहाल बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, बेटे से कहें तीन धातु का एक छल्ला पहने, जिसमें सबसे कम सोना, उससे ज्यादा चांदी और सबसे ज्यादा तांबा होना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा नंबर बताना चाहूंगा कि 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ी लेनी है, और ये 43 दिन लगातार, यानी एक दिन में 400 ग्राम जल प्रवाह करनी है, 43 दिन लगातार आप इनसे जल प्रवाह करवाते हैं, तो इसका जो मंगल का प्रभाव है वो बहुत अच्छा बनकर के चलेगा, और इनको जो जमीन से संबंधित खुशियां हैं वो अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ, और बिल्कुल लाल किताब संजीवनी में बहुत छोटे छोटे से वो खास उपाय दर्शकों होते हैं आप सभी के लिए, जो कि बहुत आसानी से आप अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा असरदार जो उनका आप देखते हैं रिजल्ट आप सभी को देखने में मिलता है, और आपकी जिंदगी से जो परेशानियां हैं वो बहुत जल्द दूर हो सकती हैं। तो आप भी और ज्यादा जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, आप लाल किताब संजीवनी आप बनवाना चाहते हैं, तो नंबर आप देख रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप फोन करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पंडित जी से मिलना चाहें पर्सनली, तो भी आप अपॉइंटमेंट लेकर पंडित जी से मिल सकते हैं और आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी आपका नाम? हेलो, हेलो जी, जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम जानना चाहूंगी। रोशनी ग्रोवर जी। रोशनी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। मुझे मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल जी, 9 अप्रैल 1962 जी, हाँ जी। उनके जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 4 बजे का जी। जी कहाँ पर हुआ था आपके हस्बैंड का जन्म? दिल्ली में हुआ था जी। जी जी, रोशनी जी बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप इनके बारे में। उनका एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से ना बहुत लॉस में हम गए हैं, और आगे आने वाला समय उनका कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? रोशनी जी, पहले कभी इनसे उपाय करवाए आपने लाल किताब के? लाल किताब के एक्चुअली मैंने कहीं से लाल किताब इनकी कोई बनवाई थी जी, उसमें जो उपाय थे वो हमने करवाए थे इनसे। क्या उन्होंने सलाह भी आपको दी थी? हाँ जी। क्या उन्होंने पर्सनली सलाह भी आपको दी थी? नहीं, पर्सनली कोई सलाह नहीं दी थी। बिल्कुल, इस चीज का मैं विशेष तौर से रोशनी जी कहना चाहूंगा कि मंगल और बृहस्पति का योग है इनकी कुंडली के अंदर, जो लगन के अंदर है, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा महाराज योग होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम अगर चौड़े में भी बैठ जाएं, जहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं हो वहां भी अगर बैठ जाएं, तो वहां भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आ सकती हमारे जीवन के अंदर। राम नाम लियो नहीं, कियो ना हरि से हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अगर समय रहते आप अपने फल को जागरूक नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ अगर आप लाल किताब संजीवनी अगर अपनी बनवाते हैं, उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, सही तरीके से मिल सकते हैं, मिल करके अगर कोई भी उपाय, अगर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उसको, हम जैसे सलाह नहीं लेते हैं, डॉक्टर ने बताया नहीं, केवल दवाइयां लिख करके दे दी, या ये नहीं बताया कि इसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरीके के हमें परहेज करके चलना चाहिए, या ये दवाई हमें कितने टाइम खानी है, उस तरीके का अगर हम प्रभाव से नहीं जुड़ेंगे तो वो क्या होता है, हमारे जीवन का अच्छा फल हमें नहीं मिल पाता, खुशियां हमें नहीं मिल पाती हैं। सप्तम भाव आपका जो जागरूक होना चाहिए, जहां से हम रोजाना की इनकम के प्रभाव को सोच करके चलते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता, तो उसमें क्या है, हम धीरे धीरे करके जो हमारा अच्छा फल भी होता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा हो, अगर हम अतिथियों का सेवा सत्कार नहीं करते हैं तो बृहस्पति का अच्छा फल हमें नहीं मिल पाता है, अपने माता पिता का सत्कार नहीं करते हैं बृहस्पति का अच्छा फल हमें नहीं मिल पाता है, अगर हमारा चंद्रमा वीक है और हम माता की सेवा करते हैं तो उससे हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर माता की सेवा हम नहीं करते हैं तो चंद्रमा अच्छा होते हुए भी हमें अच्छा फल नहीं देगा, वीक तो हमें तब देगा। तो इस प्रभाव को हम अच्छाई से जोड़ के चल सकते हैं, केसर का इनसे कहिएगा, केसर का तिलक लगाएं नाभि जवान माथे पर, और मंगल गुरु सर्व मार्तंड यंत्र गले में धारण करें, उससे इनको पूर्ण रूप से अच्छा फल प्राप्त होने लग जाएगा। इनका मैं देख पा रहा हूं कि सूर्य बुध दोनों ही बुध आदित्य योग भी बना करके बैठे हैं, यानी कि दो दो योग हैं, एक योग नहीं है, बहुत अच्छे जो योग होते हैं दो योग इनकी कुंडली के अंदर हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये परेशान है, इसका कारण क्या है,
इसका निवारण है लाल किताब संजीवनी के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अपने उपाय कीजिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन के अंदर जो चांद उत्पन्न होने वाले हैं, आपके जो प्रभाव वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, उनको आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कर्म की साधना के द्वारा हम अपने भाग्य की स्थिति को बहुत अच्छा बना करके चल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, भाग्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बन सकती है लाल किताब संजीवनी के माध्यम से। और बहुत अच्छी बात जो पंडित जी आपने बताई कि अगर दर्शकों आप लाल किताब संजीवनी अपनी बनवाते हैं तो आप फ्री रजिस्ट्रेशन पाते हैं, और इसके साथ यानी कि आप पंडित जी से जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हमें उपाय पता चल जाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि उसे किस तरीके से किया जाए, वो जो आपकी परेशानी दिक्कत है वो इस तरीके से दूर हो जाती है। आपके जहन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल आए उपायों को लेकर, तो आप स्वयं पंडित जी से जान सकते हैं, पंडित जी आप हमें किस तरीके से करना है या फिर वो कौन सा तरीका है कि आप हमें ये करें ताकि ये उपाय हमारा कारगर हो। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगता है उनका से हमारा संपर्क टूट गया है। तो दर्शकों, नंबर आप देख रहे हैं, लगातार आप इन पर कॉल करते रहिए, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में बैठे हैं स्वयं सीपी दीक्षित जी, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य जो कि हजारों लोगों की जिंदगी को बदल चुके हैं। ऐसे उपाय सीपी दीक्षित जी बताते हैं लाल किताब संजीवनी के माध्यम से जो कि बेहद कारगर होते हैं, और ऐसे उपाय जो कि आप घर पर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा जटिल उपाय हम बताते हैं, बहुत छोटे छोटे सरल उपाय जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ, जी स्वागत है आपका। जी मैडम, मैं देतो बक 27/1/1985। आपके जन्म का समय? सुबह 9:45। जी सुबह 9:45। कहाँ पर हुआ था आपका जन्म? उदयपुर राजस्थान। जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप? सर, एक तो विवाह के बारे में और एक जॉब में लग रही है। जी, क्या नाम क्या है आपका? दिलीप। दिलीप जी, दिलीप जी, विवाह से संबंधित परेशानी है। सबसे पहले तो रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म है आपका, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लगन का भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, तो उसके लिए आप संजीवनी महाविद्या यंत्र अपना मंगाइएगा, उससे देखिएगा कि आपका लगन का जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ फल प्राप्त होने लग जाएगा। शुक्र और मंगल चंद्र की युति है, मंगल चंद्र से क्या है महालक्ष्मी योग प्राप्त होता है हमें, लेकिन शुक्रदेव जब साथ में आकर के बैठ जाते हैं तो शुक्र क्या है हमारे यश कीर्ति प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला भी होता है, लेकिन शुक्र की जो मान प्रतिष्ठा है वो स्त्री जाति से जुड़ी हुई होती है, और द्वितीय भाव बृहस्पति का पक्का घर है, तो कहीं ना कहीं स्त्री के प्रभाव में हम जुड़ करके अपनी मान प्रतिष्ठा को दाव पर लगा देते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान आप रहिएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। रसोई में खाना खाते हैं उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपके घर में अगर बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसी कोई वस्तु है उसको घर से निकाल दें। अगर कोई चीज़ सही होने वाली है तो उसको सही करा लें, उसके बाद में आप अपने घर में रखते हैं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर जो सही होने वाली नहीं है तो आप उसको बिल्कुल घर से हटा दीजिएगा, कबाड़े वाले को दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपका। जी हाँ दर्शकों, तो आपके भी जहन में किसी तरह का कोई सवाल हो या फिर कोई समस्या हो आपके जीवन में, तो एक नंबर आप सभी के जिंदगी को बदल सकता है। नंबर पर आप कॉल कीजिए, सीपी दीक्षित जी से बात कीजिए और आपकी सभी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। सूर्य ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, तो पंडित जी सूर्य ग्रह आपने बताया कि क्या उसका प्रभाव होता है हमारी जिंदगी में। अक्सर बहुत से लोग हैं, मैंने सुना है कि हमारा कहते हैं हमारा जो सूर्य है वो नीच का है, और लाल किताब संजीवनी के माध्यम से किस तरीके से हम पता लगाएं कि जो सूर्य है हमारा नीच का है, और उसके कैसे हम उपाय कर सकते हैं ताकि उसका कोई कुप्रभाव हमारी जिंदगी पर ना पड़े। बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य एक वो बलवान ग्रह है जो अपने आप में, दर्शकों हम कहते तो हैं कि सप्तम भाव के अंदर सूर्य नीच का हो जाता है, लेकिन सूर्य कभी भी नीच का नहीं होता, उसके साथ जो बैठा हुआ ग्रह होता है वो उसके ऊपर अपने नीच प्रभाव को डाल देता है, अपने आप में कभी भी नीच का नहीं होता, क्योंकि ऐसा बलवान ग्रह है ये, अगर सूर्य शनि के साथ बैठ जाए तो पिता और पुत्र के प्रभाव को खराब करता है, सूर्य अगर चंद्र के साथ बैठ जाए तो वहां से दरिद्र योग उत्पन्न करने लग जाता है, सूर्य अगर केतु के साथ बैठ जाए तो केतु को रद्दी कर देता है, यानी कि ये संतान के प्रभाव को खराब करने वाला होता है, तो इस प्रभाव से सूर्य अगर बुध के साथ बैठ जाए तो बुधादित्य योग बनाता है, लेकिन बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित करने लगता है, तो इस प्रभाव से थोड़ा सा हमारे जीवन के अंदर गलत योग आते हैं या खराब योग आते हैं, तो उस समय हम सूर्य के प्रकाश को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, सूर्य के लिए रोली डाल करके अर्घ दें, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से आप पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी कि इस मंत्र का आप जाप करते हैं नियमित रूप से, अगर आपको डर लगता है, क्योंकि हमारा जो साहस है उसका भी कहीं कहीं स्वामित्व जो है वो सूर्य से जुड़ा हुआ होता है, आत्मबल का जो स्वामित्व है वो भी सूर्य से जुड़ा हुआ होता है, अगर आपको डर लगता है तो 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके रात्रि सोने से पहले आप 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सोते हैं तो उससे आपको गंदे सपने नहीं आएंगे, गलत सपने नहीं आएंगे और आपका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चलता रहेगा। सूर्य के प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए आप रोली डाल करके सूर्य को अर्घ देते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा नंबर कहना चाहूँगा 700 ग्राम गेरू, अगर आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी है 700 ग्राम गेरू 7 दिन लगातार आप वीरान जमीन में जा करके दबाइएगा, उससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। घर से जैसे निकलते हैं आप तो उस समय थोड़ा सा गुड़ खाएँ और उसके बाद पानी पी करके निकलें तो सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा बन करके चलेगा। इसीलिए कहा गया है ना कि लाल किताब के उपाय जो नाभिक के से तीर और देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इन छोटे छोटे से उपायों से माध्यम से हम अपने जीवन के अच्छे प्रभाव को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, उपाय बेहद छोटे हैं लेकिन बहुत प्रभावी हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो उपाय हैं वो आप सभी की जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से दुख दूर हो और सुख आप सभी के जीवन में आए तो आप अगर चाहें तो अपनी लाल किताब संजीवनी आप बनवा सकते हैं। नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स आपको देनी है और आपकी उन डिटेल्स यानी कि आपकी जन्मतिथि आपको बतानी है, आपके जन्म का समय और कहां पर आपका जन्म हुआ था। ये आपकी जानकारी लेने के बाद आपकी पर्सनल लाल किताब संजीवनी आप सभी को बनाकर दी जाएगी और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कौन से वो उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। अब पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, संजीवनी महायंत्र के बारे में आपने बताया तो किस तरीके से जो यंत्र है संजीवनी महायंत्र ये हमारी जिंदगी को बदलता है? बिल्कुल, बताना चाहूँगा संजीवनी महाविद्या यंत्र आपके लिए वो नायाब तोहफा हम लेकर के आएँ। उसके कारण से क्या क्या कई बार हम देखते हैं कि हमारी कुंडली नहीं है, हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम सही तरीके से निर्धारित नहीं कर पाते कि किस ग्रह का हम उपाय करके चलें, किस ग्रह का हम उपाय नहीं करके चलें। तो इससे क्या है, हमारा मार्गदर्शन सबसे पहले कहते हैं ना का बल सुख निरोमल काया, दूजा सुख धन संपत्ति माया, तीजा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। यानी कि 4 सुख अगर हमारे जीवन के अंदर बन करके चलें तो हम कह ही नहीं सकते कि हम कहीं ना कहीं से दुखी हैं। तो सबसे पहले जो लगन के प्रभाव को, इसमें क्या है, हमने 5 नग स्थापना की है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के अच्छे प्रभाव से जुड़ सकते हैं। इसकी हमने कोष्ठ भी कोई ज़्यादा नहीं रखी तो हम अपने जीवन के प्रभाव को अच्छा बना करके चलें। हमारा स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी परेशानी है तो उसके लिए भी आप ये नग धारण करते हैं या ये यंत्र धारण करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संजीवनी महाविद्या यंत्र, अगर विद्या में कोई दिक्कत आने लग जाती है या पढ़ाई में हमारा बच्चा का मन ही नहीं लग पाता है तो उसके लिए संजीवनी महाविद्या यंत्र को आप अपने गले में धारण करवाते हैं बच्चे को, उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। अगर जीवन के अंदर कहीं भी परेशानी आ रही है या पति पत्नी में आपस में भी नहीं बन रही है तो वहां भी अगर संजीवनी महाविद्या यंत्र आप गले में धारण करते हैं उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। जी दर्शकों, तो देखा आप सभी ने किस तरीके से संजीवनी महायंत्र हम सभी की जीवन की सभी तमाम दिक्कत दुख परेशानियों को दूर करता है और सुखों को आप सभी के जीवन में लाता है। साथ ही साथ हमने जाना कि सूर्य ग्रह का प्रभाव आखिर किस तरीके से हमारे जीवन पर पड़ता है और कौन से वो उपाय हैं जिससे सूर्य के प्रभाव को हम ठीक कर सकते हैं और खुशियां हमारे जीवन में ला सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। राधे राधे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। ब्राह्मण कुल में जन्मे पंडित सीपी दीक्षित जी लाल किताब संजीवनी के माध्यम से करते हैं सभी समस्याओं का समाधान। लाल किताब संजीवनी के अंदर कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसमें आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल का वर्ष फल बताया गया है। लाल किताब संजीवनी में ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको सुख की राह पर लेकर जाएंगे, अर्थात आपके मूल काल में क्या क्या घटित हुआ है, भविष्य में क्या क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या क्या शुभ क्या अशुभ चल रहा है।